सो हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। मेरे भाई सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज अपन लोग इसी खुशी में बनाने वाले विल ऑफ डी का पार्ट टू। आई होप तुम लोग जो इसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मेरे पिछले पार्ट वन पे जिस तरह से तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया भाई, 10,000 से ज्यादा व्यूज हैं उसके। वैसे तो ये मेरा वीडियो का सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग वीडियो नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा भी व्यूज वाले वीडियोस हैं जिनको मैंने प्राइवेट कर रखा है, बट उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तुम लोग जिस तरह से सपोर्ट मुझे दिखा करके रखे हो इस विल ऑफ डी वाले वीडियो को, मैं चाहता हूँ इसके पार्ट टू वाले को भी दिखाओ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी विल ऑफ डी वाला वो पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा, कृपा करके पहले वो वाला वीडियो देखना, क्योंकि वो पार्ट वन है, उसके बाद ही आकर के पार्ट टू वाला वीडियो देखना, जिससे तुमको जो अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर उसका सेकंड पार्ट मतलब आगे का पार्ट बना रहा हूँ, वरना फिर अगर तुम वो वाला वीडियो नहीं देखोगे और फिर डायरेक्ट आकर के ये वाला वीडियो देखोगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं तुमको उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वहां पर एक चीज मैंने गलत बोला है, जो पॉडकास्ट डी रूज है उसने एस को अपने घर में 20 महीने के लिए रखा था, मैंने वहां पर 11 महीने बोल दिया, क्योंकि मुझे नंबर्स याद नहीं रहते हैं, तो वो चीज को जाने देना, थोड़ा इग्नोर मारना, उस चीज को लेकर के मैं सॉरी बोल रहा हूँ। खैर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले विल ऑफ डी को लेकर के, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा तुम लोग को। मेरे भाई क्या तुमने कभी सोचा है आखिर वन पीस के वर्ल्ड में दो टाइप के पावर सिस्टम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? नहीं सोचा ना, बट मैंने सोचा और उसके बाद जाकर के ये वाला थ्योरी भी बना। मुझे जहां तक लगता है ये जो हॉकी वाला पावर सिस्टम है ये इसी वर्ल्ड का, बट जो डेविल फ्रूट वाला पावर सिस्टम है ये यहाँ का नहीं है, वो किसी और जगह से आया हुआ है। अगर तुम्हें पता है, तुमने एनिस लॉबी आर्क देखा है, तो वहां पर हमें जो है ओहारास के बारे में दिखाया गया था, और वहां पर हमें पता चला था, मतलब थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया था कि वन पीस के वर्ल्ड में 8 मून हुआ करते थे, बट फिलहाल के लिए वो एक ही है जो कि एनल की कवर स्टोरी में हमें दिखाया गया था, और उस चांद में कोई और स्पीसीज है। जहां तक मुझे लगता है ये जो डेविल फ्रूट वाला जो पावर है वो सेलेस्टियल ड्रैगन जो लेकर के आए। अगर तुम अच्छे से देखो जो सेलेस्टियल ड्रैगन है, चाहे वो चार्लोस हो गया, ये जितने भी सेलेस्टियल ड्रैगन है, वो लोग अपने स्लेव्स को ना डेविल फ्रूट खिलाते हैं ताकि वो लोग उनको एंटरटेन कर सके, और मेरे भाई वो लोग खुद डेविल फ्रूट को नहीं खाते, सिवाय कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के जो लोग नोबल्स हैं, बट वो लोग डेविल फ्रूट यूजर भी हैं, और एक बंदा तो मर चुका है डोंकी होटे रोजनांते। साथ ही साथ जो अपना सैबो और डोंकी होटे डॉफ्लामिंगो है, ये लोग डेविल फ्रूट यूजर्स हैं और ये लोग नोबल्स भी रह चुके हैं, इनके ब्लड लाइन में नोबल का खून है, लेकिन ये लोग का रिश्ता जो नोबल से दूर दूर का है। भाई डोफ्लामिंगो तो अभी जेल में सड़ रहा है। वैसे ये बंदा ना यार, क्यों इसे जोकर कहा जाता है, ये साफ एक नंबर का कमीना कैरेक्टर है, मैं इस बारे में क्या ही बोलूं, ये कैरेक्टर इतना ज्यादा कमीना है ना, ये अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकता है। जो अपना सैबो है वो रेवोल्यूशनरी आर्मी में, लेकिन उस बारे में हम लोग बाद में जाएंगे। हम लोग दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं विल ऑफ डी को लेकर के। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये जो डेविल फ्रूट है ये सेलेस्टियल ड्रैगन अपने साथ लेकर के आए, यहाँ पर आए हैं वो जहाँ पर पहले रहते थे, जो उनका ओरिजिनल वर्ल्ड है। मैं यहाँ पर एक और चीज तुम लोगों को बताना भूल गया था कि ये एक थ्योरी वीडियो, तो तुम लोग अच्छे से जानते हो थ्योरी वीडियो फ्यूचर में जाके सच भी होते हैं गलत भी होते हैं। थ्योरी वीडियो बनाना मतलब अंधेरे में तीर चलाना, तो इसलिए फ्यूचर में जाकर के अगर कोई कुछ दूसरा निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने कुछ गलत बोला, क्योंकि यार थ्योरी हमेशा सही नहीं होती। साथ ही साथ हो सकता है तुम्हारे थ्योरी से ये बात अलग भी निकले, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं अपना बता। और अब हम लोग थोड़ा ना प्रेजेंट का स्टोरी लाइन से थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं 800 साल पुराने इतिहास पे, जो कि मेरे थ्योरी के हिसाब से क्या लगता है 800 साल पहले क्या होगा। जो अभी की जो नॉवेल्स है, जो वर्ल्ड नॉवेल्स है, जो अभी की वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ये इस वर्ल्ड पे आई होगी, और यहाँ आने के बाद उन लोगों ने क्या किया, सबको जो है डेविल फ्रूट फ्री में बांटना शुरू कर दिया, फ्री में खिलाते थे, फ्री में कुछ नए पावर मिलेगी। और तुम अच्छे से जानते हो वन पीस के वर्ल्ड में हॉकी जो पावर है उसको मास्टर करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, उसको सीखना पड़ता है, बट डेविल फ्रूट के साथ ऐसा नहीं है, उसको तुम खाओ अचानक से तुमको पावर मिल जाएगा, ताकि ये सब जो उसके साइड पे आ जाए। और ऐसा करते 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 धीरे 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 क्या वो वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो अभी की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइमलाइन की, इनके साइड में बाकी के किंगडम जो आ गए, जिस वजह से जॉय बॉय की टीम वर्सेस 20 किंग्स प्लस ये जो अभी की वर्ल्ड गवर्नमेंट है इनके खिलाफ लड़ाई हो गई, जहां पर ऑब्वियसली बात है अपना जॉय बॉय हार गया होगा, और जॉय बॉय के साइड थे विल ऑफ डी वाले प्लस एंसेंट वेपन्स। वैसे एंसेंट वेपन्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैंने एक ही वीडियो बनाया मुझे पता है, मैं बाकी के दो वीडियोस भी बना दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। मेरे भाई यहाँ पर तुम लोग का एक सवाल डाउट निकल सकता है, जहां तक हमें पता है जो हॉकी पावर सिस्टम है वो डेविल फ्रूट पावर सिस्टम से सुपीरियर है,
तो फिर वो लोग हार कैसे गए इन लोग से? मैं यहाँ पर तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ। ट्रिमर ट्रिमर फ्रूट, गोमो गोमो नोमी, ओपे ओपे नोमी, ये तीन डबल फ्रूट ऐसा है ना जिनके आगे हाकी बच्चा सा लगता है। देखो गोमो गोमो नोमी का हमें जो फुल पावर अभी तक पता नहीं है, क्योंकि यार वो एक रेयर डेविल फ्रूट है, उसके लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा सिक्योरिटी बिछा रखा था वो हमें मांगा में बताया गया, बट अभी तक एनिमे में ये चीज रिवील नहीं हुआ है। एनिमे वॉचर्स के लिए तो यहाँ पर गोमो गोमो नोमी एक नॉर्मल पैरामीसिया टाइप डेविल फ्रूट है, बस इतना ही पता है। साथ ही मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रिमर ट्रिमर फ्रूट की, तो तुम लोग अच्छे से जानते हो जो कि वाइट बियर्ड यूज करता था और इसका फुल पावर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है तुम लोग अच्छे से जानते हो। थर्ड चीज जो कि हमारा ओपे ओपे नोमी है भाई, ये एक अलग लेवल पे जाता है, इसके लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट कितना खर्चा करने के लिए रेडी हो गए थे तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। ये किसी मरे हुए को दोबारा से जिंदा कर सकती है अपने लाइफ के बदले, प्लस इसका जो अवेकनिंग वाला पावर है उससे तुम कॉन्करर हॉकी यूजर को भी इंटीरियर डैमेज दे सकते हो। तो मेरे भाई ऐसा हुआ होगा, इन सब चीजों की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट जीत गई होगी हॉकी यूजर्स के खिलाफ, यहाँ पर डी क्लैन वाले हार गए। क्यों यहाँ पर हारे? सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं था, क्योंकि जितने भी 20 किंगडम्स थे वो सब जाकर के भाई अभी की वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया था। यहाँ पर अपना जॉय बॉय हार गया और उसे अच्छे से पता था कि जो कुछ भी इतिहास है वो सब इतिहास जो मिटा देगी अभी की वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसी वजह से उसने क्या किया, कोजुकी क्लैन को शायद बताया होगा कि तुम लोग जाओ एक ऐसा चीज बनाओ जिससे हमारे आने वाले फ्यूचर की जो पीढ़ी है उन्हें पता चल सके कि 800 साल पुराना इतिहास क्या है। इसी वजह से कोजुकी फैमिली ने पॉनिक्लिप्स बनाया और उसको जो अलग अलग जगह पे छिपा दिया, ताकि फ्यूचर में कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो इन सबको खोजेगा, पूरे वर्ल्ड को अपने साथ एक साथ मिलाएगा और इन सबको हराएगा। नेक्स्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा, क्या तुम्हें वो वाला बात याद है जिसमें हुजू ने गॉड निका के बारे में बताया था, जो अचानक से आएगा जितने भी स्लेव से उन सबको आजाद दिलाएगा मुस्कुराते हुए, ये वाला स्टोरी याद है? अगर हम लोग इस स्टोरी के हिसाब से चले तो बहुत लोगों को लगता है कि ये वाला जो स्टोरी है ना ये हमें पास्ट के बारे में बताती है, बट अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी मुझे लगता है ये फ्यूचर को बताती है, क्योंकि फ्यूचर में ही ऐसा हो सकता है। जो कि अपना लूफी है, तुम अगर उसको देखे हो ना वो मुस्कुराता रहता है हमेशा, और ये बंदा जो है फ्यूचर में अगर गॉड निका बनता है, मतलब वो जा करके सबको जो है आज़ादी दिलाता है, तो बहुत अच्छा होगा। मेरे भाई हम लोग अभी जो है दोबारा से प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं, और प्रेजेंट टाइमलाइन में अगर हम लोग देखने जाएं तो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है सबसे पहले वो गोमो गोमो नोमी को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी थी, लेकिन उसको चुरा लिया एक बंदे ने, तुम अच्छे से जानते हो वो कौन है, अपना आकागामी नो सैंक्स। और उसके साथ अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट क्यों यार हाथ मिला के खड़ी है मेरे को समझ में नहीं आता, ये सैंक्स का अलग लफड़ा चलता है भाई, इसका कॉन्टैक्ट एक अलग लेवल पे। खैर यहाँ पर विल ऑफ डी वाला बात मैं कवर करना चाहूँगा। देखो मेरे को जहाँ तक लगता है तुम एक चीज़ देखे होगे, जितने भी ये डी क्लैन वाले, इन लोगों को ये डी नाम ना विरासत पे मिली है, मतलब ये बात तो है कि ये जो है पास्ट से निकल के आती है, और ये डी क्लैन वालों का यही मोटिव होगा कि ये लोग जो है सबको साथ में लेकर के आएंगे, आज़ादी दिलाएंगे और पूरा वर्ल्ड को फ्री करेंगे, जो कि अभी की वर्ल्ड गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इनके ऊपर राज करके बैठी है। इन लोगों को पता भी नहीं है कि इनका जो माइंड जो है माइंड के साथ खेला गया है। डी का एक्चुअल मीनिंग, इसका एक्चुअल फुल फॉर्म क्या होता है वो तो मेरे को नहीं मालूम है, और ओडा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया था इसको फिलहाल के लिए डी डॉट समझो, आगे फ्यूचर में स्टोरी के साथ हमें पता चलेगा। साथ ही साथ अगर किसी को पता था कि 800 साल पहले क्या हाल था इस वर्ल्ड का, तो वो बात पता था अपने तोकी को, और तोकी अगर फ्यूचर में हमें जिंदा दिखती है तो हमें ऑब्वियसली बातें पता चल जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि तोकी मर चुकी है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है भाई जब तक तुम किसी को मरते हुए पूरा बॉडी के साथ ना देखो ना तब तक यकीन मत करना, खासकर हमारे वन पीस के वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर ना मरे हुए को भी जिंदा कर दिया जाता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना किनमोन। साथ ही साथ एक और चीज तुम सिमिलैरिटी देखना जो कि गॉड निका से ही आती है, कि जितने भी डी क्लैन वाले वो लोग जब भी मरते हैं ना भाई वो लोग मुस्कुराते हुए ही मरते हैं। मेरे भाई एक और बात मुझे याद आता है जो हॉकाई ने कहा था मरीन फोर्ट के टाइम पे, एक एक करके इसके जितने भी दुश्मन है ना वो सब इसके साथ मिलते जा रहे हैं। किसको कहा था? लूफी को कहा था। और 800 साल पहले वॉर उस हिसाब से चली थी जब जॉय बॉय 20 किंगडम्स के खिलाफ फाइट कर रहा था, वहां पर वो हार गया था, तो जॉय बॉय के साइड पे डी क्लैन के अलावा और कोई रहा नहीं होगा। और जॉय बॉय उस वक्त हारा क्यों था? क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं था। लेकिन आज जब लूफी फाइट करेगा फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड के खिलाफ, तो उसके साइड में सब होगा, क्योंकि वो एक एक करके सबको जो है आज़ादी दिलाया था। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूँ,
अलबास्टा किंगडम उसी के साथ होगा, पूरा का पूरा ईस्ट ब्लू उसी के साथ होगा, ड्रेसरोसा भी उसी के साथ होगा, होल केक भी हो सकता उसी के साथ ही हो, क्योंकि काटाकुरी ने एंड में रिस्पेक्ट दिखाया था लूफी के लिए, और वानो भी फ्यूचर में उसी के साइड से लड़ेगा। तो तुम देख रहे हो यार, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब जो है एंड में लूफी के साथ ही देंगे। तो मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, फ्यूचर में मेरे हिसाब से यही सब होगा कि लूफी सबको एक साथ इकट्ठा करेगा, जो कि 800 साल पहले नहीं हो पाया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ। लूफी जीत जाएगा वॉर, जो कि एकदम आसान तो नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तुम एक चीज देखो, जब रॉजर ने वन पीस खोजा था तो उसने कह दिया था कि हम बहुत पहले आ चुके हैं, हमने बहुत पहले इस चीज को खोज लिया है, जो कि लूफी के टाइमलाइन के हिसाब से खोजा जाना था। मतलब वो रॉजर नहीं था जो पूरे वर्ल्ड को आजाद दिलाएगा, वो अपना मंकी डी लूफी है। खैर, फिलहाल के लिए अभी के हिसाब से मेरे भाई, विल ऑफ डी को लेकर के मैंने जो भी डाउट था वो सब जो है मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया। तुम लोग को कुछ डाउट रह गया, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। मैंने विल ऑफ डी के नाम पे पूरा का पूरा इतिहास छाप डाला है। और अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे मुझे। साथ ही साथ तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।